हाई फ्रेंड्स, राजेश हियर फ्रॉम technobuzz.net। फाइनली जो MIUI 11 का बीटा अपडेट जो है वो काफ़ी सारे फोन्स के लिए अवेलेबल हो चुका है और हमने भी अपने काफ़ी सारे फोन्स के ऊपर इसको इंस्टॉल कर लिया। मैं इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कैसे आप MIUI 11 को अपने Xiaomi फ़ोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट आज के वीडियो में हम कुछ इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे, क्या आपको नए फीचर्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि MIUI 11 के अंदर काफ़ी सारे न्यू UI चेंजेस किए गए हैं, उसी तरीके से आपको इसके अंदर काफ़ी सारे नए वॉलपेपर भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, जिनको आप इजीली अपने वॉलपेपर सेक्शन में जाके इनको अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारे जो फोन्स हैं उनके अंदर आपको स्टैटिक वॉलपेपर मिलेंगे और डायनेमिक वॉलपेपर मिलेंगे, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे नए लाइव वॉलपेपर्स भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे फ़ोन के अंदर, इसके अंदर काफ़ी सारे आपको नए लाइव वॉलपेपर्स देखने को मिलते हैं। तो कुछ नए वॉलपेपर्स और नए डायनेमिक वॉलपेपर्स जो हैं आपको आपके नए MIUI 11 में देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड फीचर जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है Android 10। जैसे कि Xiaomi ने बहुत पहले कहा था कि काफ़ी सारे फोन्स जो है उनको MIUI 11 के साथ Android 10 मिलेगा। हमारे पास ये Redmi K20 Pro है और इसके अंदर जो हमें MIUI 11 का अपडेट मिला है उसके अंदर आपको Android वर्जन 10 मिलता है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये Android वर्जन 10 है। जितने भी हाई एंड फोन है और जितने भी लेटेस्ट फोन है उनको जो है Android 10 मिलेगा MIUI 11 के साथ। तो ये भी अच्छी बात है कि MIUI 11 के अंदर जो है आपको लेटेस्ट Android OS जो है वो भी आपको इसके अंदर देखने को मिल रहा है। थर्ड फीचर जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो है डार्क मोड। अब आपको जो है आपके फ़ोन के अंदर डार्क मोड मिलता है, जो कि सिस्टम वाइड काम करता है, जिसके अंदर आपके डायलर पैड भी आपका डार्क मोड पर चला जाता है, आपका मैसेज पैनल आप डार्क मोड पे कर सकते हैं, आपका गूगल क्रोम ब्राउज़र है वो भी आप डार्क मोड पे कर सकते हैं, आपका फाइल मैनेजर वो भी आपको डार्क मोड पे चला जाता है, आपका कैलेंडर वो भी आपको डार्क मोड में मिलता है, आपका थीम सेक्शन जो है वो भी आपको इसके अंदर डार्क मोड मिलता है, और साथ ही साथ आपकी गैलरी भी आपको डार्क मोड मिलती है। उसी तरीके से आपको म्यूज़िक प्लेयर, आपको इंस्टाग्राम अकाउंट, आप उसको भी डार्क मोड पे कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो भी कर सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप अपने इंस्टाग्राम को डार्क मोड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसका ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसको आप जाके डायरेक्टली नीचे हमारे लिंक को चेक कर सकते हैं। सिंपली आप डार्क मोड को जो है अब क्यों टॉगल से इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक डार्क मोड का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ से आप इसको इनेबल और डिसेबल भी करते हैं। तो ये भी एक आपको अच्छा फीचर इसके अंदर देखने को मिल जाता है। अगला जो फीचर है उसकी मैं बात करने वाला हूँ वो है फॉन्ट। अब आपको MIUI 11 के अंदर जो है नए फॉन्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सेटिंग्स पैनल का लुक जो है कम्प्लीटली चेंज हो गया है। आपको जो फॉन्ट्स हैं वो पूरे के पूरे आपको कम्प्लीटली चेंज मिलते हैं। जो आपके MIUI 10 के फॉन्ट्स थे उनसे काफ़ी अलग फॉन्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और काफ़ी नीट एंड क्लीन लुक आपको आपके सेटिंग्स पैनल, आपके आइकन्स वगैरह सब में आपका जो ये जो फॉन्ट्स हैं वो इजीली चेंज हो गए हैं। उसी तरीके से आपके क्विक सेटिंग्स पैनल, हर जगह आपको फॉन्ट्स में चेंज देखने को मिलते हैं। जैसे कि डायलर पैड में भी आपको चेंज देखने को मिलते हैं, आपको कैलेंडर में भी फॉन्ट्स के कुछ नए एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं, यानी कि फॉन्ट्स जो है आपके MIUI 11 के अंदर आपको चेंज मिलते हैं। अब अगला फीचर जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले या एम्बिएंट डिस्प्ले। काफ़ी सारे फोन्स जो हैं उनको एम्बिएंट डिस्प्ले का ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं Redmi K20 Pro के अंदर इन्होंने काफ़ी सारे नए जो आपको डिस्प्ले मिलते हैं एम्बिएंट डिस्प्ले वो इंट्रोड्यूस किए हैं, जिनको आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं और अपनी लॉक स्क्रीन यानी अपनी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले उसके ऊपर आप इनको सेटअप कर सकते हैं। आप इनको एडिट भी कर सकते हैं, आपको काफ़ी सारे एडिट के भी ऑप्शन मिल जाते हैं जहाँ पर आप इनको ईजिली इनके कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। यही नहीं, आपको इसमें साथ ही साथ जो एनिमेशन होता है उसके अंदर आपको एनिमेशन इफेक्ट भी देखने को मिलता है कि आपको किस तरीके का एनिमेशन इफेक्ट चाहिए आपके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके का आपके साइड पैनल पे आपको एनिमेशन इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा फीचर है जो आपके फ़ोन के अंदर जो है एक पूरा अलग सा लुक आपके फ़ोन पर देता है। अगला फीचर जिसकी मैं बात करने वाला हूँ, जो कि Xiaomi ने बहुत पहले ही अनाउंस कर दिया था कि वो नेचर्स के रिलेटेड काफ़ी सारी साउंड्स आपके लिए लेके आएंगे। अब आपको इवेंट्स के अंदर काफ़ी सारी नेचर्स की साउंड मिलती हैं, जो कि आप यहाँ पर जाके चेकआउट करते हैं। मैं आपको साउंड सुना देता हूँ किस तरीके की साउंड्स आपको ये सुनने को मिलती हैं। तो इस तरीके से आपको काफ़ी सारी नेचर्स के रिलेटेड इसके अंदर अब आपको साउंड्स भी देखने को मिलती हैं, जो कि आपको MIUI 10 में देखने को नहीं मिलती थी। MIUI 11 में जो पूरा UI चेंज कर दिया गया है और आपको काफ़ी सारी नई नेचर्स की साउंड भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती हैं। अगला फीचर जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो है डिजिटल
वेलबींग जो कि गूगल ने बहुत पहले अनाउंस कर दिया गया था, बट MIUI 11 में आपको डिजिटल वेलबींग तो नहीं मिलता है बट उसी के रिलेटेड थोड़ी सी ऐप मिलता है जिसका नाम है स्क्रीन टाइम, जिसके अंदर आप लास्ट 7 डेज से लास्ट 30 डेज की सारी एक्टिविटीज़ को चेक कर सकते हैं कि आपके स्क्रीन ऑन टाइम क्या रहा है, कितने ऐप्स आपने रन किए हैं और क्या उनकी टाइमिंग्स रही हैं और कितनी बार आपने फ़ोन को लॉक एंड अनलॉक किया है। एक तरीके से डिजिटल वेलबींग की तरह ही काम करता है बट इसका UI आपको MIUI 11 के अंदर थोड़ा अलग सा देखने को मिलता है। तो ये भी एक नया फीचर जो है स्क्रीन टाइम जो कि आपको MIUI 11 के अंदर देखने को मिलेगा। अगला फीचर जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो है कास्ट एंड प्रिंटिंग जो कि आपको कनेक्शन एंड शेयरिंग में मिलता है। कास्ट के थ्रू जो है आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं टीवी के साथ अपने, और साथ ही साथ प्रिंटिंग के जरिए आप अपने फ़ोन से ही डायरेक्ट प्रिंट्स के कमांड दे सकते हैं। तो ये भी दो अच्छे फीचर जो हैं जो आपको आपके MIUI 11 के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट फीचर जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के अंदर आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है एमरजेंसी SOS। इसके थ्रू आप जो है एक तरीके से कुछ कॉन्टैक्ट्स को अपने फ़ोन के अंदर सेटअप कर सकते हैं, जब भी कोई इमरजेंसी हो आप 5 बार पावर के बटन को दबाएंगे तो आपकी लोकेशन और एक SMS जो है उस कॉन्टैक्ट्स को मिल जाएगा कि आप थोड़ा इमरजेंसी में हैं। तो इस तरीके से आप जो है इसके अंदर जो है इमरजेंसी SOS के फीचर को भी यूज़ कर सकते हैं जो काफ़ी अच्छा फीचर है। किसी भी इमरजेंसी के टाइम पर सिर्फ आपको क्या करना है 5 बार पावर के बटन को दबाना है, आपकी लोकेशन और एक SMS जो है उस कॉन्टैक्ट नंबर के पास पहुँच जाएगा। एक और मेजर चेंज जो कि आपको आपके MIUI 11 के अंदर देखने को मिलेगा वो है एनिमेशन। अब जब भी आप अपने कैमरे को लॉक स्क्रीन पर ओपन करा करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का एनिमेशन का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा जो कि पहले आपको MIUI 10 में नहीं देखने को मिलता था। तो एक तरीके से UI और एनिमेशन में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं, आपको नए फॉन्ट्स मिलते हैं और काफ़ी अलग सा लुक आपको देखने को मिलता है। अगर आप इस रोम को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको इस रोम के ज़िप फाइल को कस्टम रिकवरी से फ्लैश कर लेना है। इस टाइम पर जिस रोम को हम यूज़ कर रहे हैं वो है Xiaomi EU का MIUI 11 बीटा वर्जन जो कि मैं आपको दिखा देता हूं ऑल स्पेक्स में कौन सा वर्जन है। ये है MIUI वर्जन का MIUI 11 बाय Xiaomi EU 9.9.26 बीटा वर्जन। आपको सिर्फ एक जिप फाइल को सेव करना है और उसको कस्टम रिकवरी के थ्रू आपने फ्लैश कर लेना है। ये मैं आपको दिखा देता हूं कौन सी वो जिप फाइल, ये आप देख पा रहे होंगे सबसे नीचे आपको एक जिप फाइल मिलती है 2.38 GB की, इसको आप कस्टम रिकवरी से फ्लैश कर पाएंगे। ग्लोबल अपडेट जो है आपको अक्टूबर में मिलेगा जिसको आप जो है सेटिंग में जाके चूज अपडेट पैकेज के थ्रू इंस्टॉल कर पाएंगे। उसके ऊपर भी ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना दूंगा जैसे ही वो अपडेट रिलीज होता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कि आप MIUI 11 के जो बीटा रोम्स हैं उनके मॉडर्न रोम्स को आप अपने फोन में यूज कर सकते हैं और काफी सारे न्यू फीचर्स को अपने फोन के अंदर एंजॉय भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।